नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। त्योहारों पर हमें तरह तरह की मिठाई पसंद है। बहुत जनों को बर्फी पसंद नहीं आती है, उनको बंगाली मिठाई या रसगुल्ले रसीली मिठाई पसंद आती है। आज मैं राखी के लिए स्पेशल राजभोग बनाना सीखेंगे। देखिए इसकी स्पंजीनेस, ये देखिए इसका रस पीने का तरीका, और ये देखिए फिर से अपना शेप ले रहा है। और एक मैं तोड़ करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना जालीदार बना है, अंदर स्टफिंग भी काफी अच्छी है। तो इस तरीके से आज हम राजभोग बनाना सीखेंगे। तो आइए झटपट से ये राजभोग बनाना सीखें। वीडियो में आप बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राजभोग बनाने के लिए सबसे पहले हम छेना बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक भगोनी ले लिए, इसमें हम एक चम्मच पानी डालेंगे और इसमें हम गाय का 1 लीटर दूध डालेंगे। गाय का दूध ही लेना है छेना बनाने के लिए। आज हम दूध विनेगर से फाड़ेंगे, तो 1/4 कप मैंने विनेगर ले लिया है और इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आवश्यकता अनुसार इस पानी का हम दूध फाड़ने में यूज करेंगे। इस दूध में हम एक तेज उबाला आने देंगे। दूध को गर्म करते वक्त हमें चम्मच से चलाना जरूरी है, इस पर जो है दूध की मलाई नहीं आने देना है। तो ये टिप नंबर 1 हो गई कि दूध जब आप गर्म करेंगे तो इस पर आप मलाई ना आने दें। ऐसा नहीं कि दूध को आप गर्म छोड़ दें और हिलाएं नहीं, हिलाने से जो ऊपर एक लेयर आ जाती है उससे हमारा छेना बनने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए दूध पर मलाई नहीं आए, इसलिए आप लगातार इसको चलाते रहें। अब हमारे दूध में एक उबाला आ गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब गैस हमने बंद कर दिया है। करने के बाद 2 से 3 बार हम चम्मच को इस तरीके से चलाएंगे ताकि एक्स्ट्रा जो इसकी भाप है वो बाहर आ जाए और इसका जो तेज उबाला है वो कम हो जाए। बहुत तेज गर्म में हमें इस दूध का छेना नहीं बनाना है, वरना वो कड़क बनेगा। अब इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और सॉफ्ट छेना बनाने के लिए 1 कप हम नॉर्मल पानी डाल देंगे। इससे दूध का टेम्परेचर कम हो जाएगा और इससे हमारा जो छेना बनेगा वो भी सॉफ्ट बनेगा। और अब दूध हमारा फाड़ने जैसा हो गया है, तो अब इसमें हमने जो मिश्रण बनाया है सिरके का और पानी का, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे। इसका रेशा एकदम से बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा रेशा होने से हमारा छेना जो है रसगुल्ले के लिए परफेक्ट नहीं रहता है। बारीक दाने वाला जब छेना होता है तो उसे मैश करके सॉफ्ट स्पंज रसगुल्ले आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए चम्मच में चला रही हूँ और बिल्कुल धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ, सारा पानी एक साथ नहीं जाएगा। इसमें जितनी आवश्यकता होगी उतना ही हम डालेंगे। जब छेना फटता हुआ पानी अलग होता हुआ नजर आएगा तब तक ही हम इस विनेगर वाले पानी को डालेंगे, और अगर बच जाएगा तो हम अपना हाथ रोक लेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, चम्मच भी चला रही हूँ, तो अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड कर रहे हैं। एकदम तेज गर्म दूध में अगर हम विनेगर, नींबू या सिरका किसी भी चीज से हम फाड़ रहे हैं दूध को, अगर जल्दी से तेज आंच पर डालेंगे तो जो छेना बनेगा वो एकदम टाइट हो जाएगा। जबकि हमें रसगुल्ला बनाने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट हमें छेना चाहिए होता है। तो इसलिए ये टिप नंबर 2 है कि आप एकदम तेज गर्म दूध में नहीं डालेंगे और इस तरीके से चम्मच चलाएंगे। अगर आप पानी ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप इसको 20% भाप निकल जाए इतना आप चलाते हुए ठंडा करें। देखिए धीरे धीरे हमारा छेना फट रहा है और इसका जो दाना है वो बिल्कुल इस तरीके से छोटा दाना, ज्यादा लंबा रेशे वाला दाना हमें नहीं चाहिए। तो बस अब हमारा पानी अलग हो गया, छेना अलग हो गया और इतना हमारा पानी बच गया। दूध की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि हमारे छेने में कितना विनेगर पानी जाएगा। तो अगर अच्छी क्वालिटी का है तो थोड़ा ज्यादा लगेगा विनेगर वगैरह। तो ये देखिए हो गया, अब इसको हम कपड़े पर निकाल लेंगे। एक छलनी पर एक कॉटन का कपड़ा लगाएंगे, ज्यादा पतला कपड़ा भी नहीं, ज्यादा मोटा भी नहीं, जिससे आसानी से पानी निकल जाए। इस कपड़े पर हम छेने को डालेंगे। विनेगर वाला अलग हुआ है, इसे हम किसी भी सब्जी की ग्रेवी में या आटा लगाने में या ठंडा करके डाइल्यूट करके हम इसे पौधे में यूज कर लेंगे। छलनी पर हमने निकाला है छेना, इसको हम जल्दी से पानी से ठंडा करेंगे, इसको ज्यादा देर गर्म नहीं रहने देंगे। अगर ये ज्यादा देर गर्म रहेगा तो ये कड़क हो जाएगा। तो इस पर हम नॉर्मल पानी डाल करके इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 बार पानी डाल करके। इससे इसका खट्टापन भी चला जाएगा और इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, इसकी ओवर कुकिंग बंद हो जाएगी,
हमें ओवर कुकिंग नहीं होने देना है। और अब हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। हमने इतना निचोड़ा है कि पानी जो है निकल गया है। अगर आप हाथों हाथ कर रहे हैं तो आप इतना निचोड़ें कि इससे एक एक बूंद जो पानी टपकता है वो भी बंद हो जाए, तो आप हाथों हाथ बना सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप 10 से 15 मिनट या तो नल पर टांग दें या फिर आप इसे किसी वजनदार चीज के नीचे रख दें। तो मैं इसको 15 मिनट किसी वजनदार चीज के नीचे रख लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक प्लेट ले ली। इस पर हम इस तरीके से छलनी रखेंगे और उस पर हम अपना ये छेना रखेंगे। इस पर एक प्लेट और रखेंगे ताकि एक जैसा प्रेशर इस पे हो, और फिर इस प्लेट के ऊपर हम कोई भी वजनदार चीज रख करके 15 मिनट इसको छोड़ देंगे। केसरिया कलर देने के लिए हम थोड़ी सी केसर के धागे गर्म पानी में भिगो करके रख देंगे। रसगुल्ले की चाशनी के लिए हम एक गहरा बर्तन लेंगे, उसमें हम 2 कप चीनी डालेंगे और 5 कप हम पानी डालेंगे। अब इस चीनी को मेल्ट होकर के इसमें तेज उबाला आने देंगे, तब तक हम अपने रसगुल्ले की गोलियां तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ी सी देर में देखिए हमारा ये छेना इस तरीके का तैयार हो गया। अब इस छेने को हम अच्छे से मलेंगे, देखिए बिल्कुल पानी का अंश नहीं है इसमें। और अब इसको हम 4-5 मिनट तक अच्छे से रगड़ेंगे इस तरीके से, ताकि ये चिकना एकदम डो जैसा तैयार हो जाए। तो देखिए हमारा एकदम से चिकना डो जैसा तैयार हो गया है और बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें हम 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर व्रत है तो आप इसकी जगह अरारोट डाल सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इस कॉर्नफ्लोर के साथ भी हम इस डो को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है अच्छे से इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। तो इसको हम 1-2 मिनट और रगड़ लेते हैं। तो हमारा ये स्मूथ डो तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा येलो कलर देने के लिए थोड़ी सी भीगी हुई केसर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन केसर की खुशबू से कलर और खुशबू दोनों अच्छे आएंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा स्मूथ चिकना ये डो तैयार हो गया। अब इसके लिए हम स्टफिंग में हम पिस्ता ले रहे हैं। आप चाहें तो काजू पिस्ता या सिर्फ मिश्री या और भी कोई ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ आज इसको पिस्ता से स्टफ करूंगी। आपको छोटा बड़ा साइज जो पसंद हो राजभोग का वो आप बना सकते हैं। और अब एक गोली हम इस तरीके से दबा करके चपटा करेंगे और फिर इसमें हम स्टफिंग जिसकी भी आप भर रहे हैं उसको इसमें रख करके फिर से हम इसको दबाएंगे। और बिल्कुल चिकना हमें इसकी गोली बनानी है, ऊपर कोई क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। अगर क्रैक्स रहेंगे तो हमारे ये जो रसगुल्ले हैं ये फट जाएंगे। तो इसको आप जितना स्मूथ कर सकते हैं उतना अच्छा सा रगड़ करके हम स्मूथ कर लेंगे इस तरीके से। कोई क्रेक नहीं है, बिल्कुल चिकना हमारा इस तरीके से बॉल्स बन करके तैयार है। तो हमारी ये सारी गोलियां तैयार है। 1 लीटर में हमारी पूरी 13 से 14 गोलियां बन जाती है। और जब भी हम इनको डालेंगे, एक एक करके डालेंगे और इस तरीके से घुमा करके डालेंगे, अगर बनाते वक्त भी हल्का सा कोई क्रेक या ड्राइनेस आ गई हो तो वो अच्छे से हो जाए। तो हमें सब एक साथ नहीं डालनी है, एक एक डालनी है। तो देखिए बहुत तेज उबाला आ रहा है, इतना ही तेज हमें उबाला चाहिए। इसमें हम भीगा हुआ केसर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। और इतने ही तेज उबाले में हमें एक एक गोली डालनी है। थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पे हमें गोलियों को डालना है। सब एक साथ डालेंगे तो हमारे चाशनी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और इसको बहुत तेज टेम्परेचर की जरूरत है। और देखिए दूसरी वाली गोली डाल रही हूँ, उससे पहले मैं इसको इस तरीके से घुमा रही हूँ और फिर मैं डाल रही हूँ। फिर आधा 1 सेकंड का गैप देंगे और रुक रुक करके ही हम इनको डालेंगे। देखिए सारी गोलियां हमने डाल दी है, आंच अभी हमने तेज कर रखी है। और अब इसे हम 10 मिनट तक ढक करके पकाएंगे। और ढकना इस तरीके से कि हल्का सा तिरछा हमारा ढक्कन रहे और भाप निकलती रहे, वरना ये चाशनी उफन करके बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। इस उबाले को कम नहीं होने देना। और देखिए तिरछा करेंगे ढक्कन को, ढक्कन खोले 10 मिनट तक लगातार हमें इसको पकाना है। तो 10 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे। देखिए जस्ट डबल ट्रिपल साइज हो गया, कितने गजब के फूले हैं ये। और अब इसे हम 10 मिनट और पकाएंगे। तो एक बार इनको हम हल्का सा हिला लेंगे और 10 मिनट अब इनको हम तेज आंच पर ही बिना ढके ही पकाएंगे, ताकि जो फूलने का काम था वो इन 10 मिनटों में हो गया। और अब जो
10 मिनट हम पका रहे हैं उसमें ये स्टेबल हो जाएंगे, चाशनी को पिएंगे और बिल्कुल शेप ले लेंगे। तो अब इसे 10 मिनट तक होने देते हैं बिना ढके। 10 मिनट भी हमारे हो गए हैं बिना ढके पकते हुए, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। राजभोग हमारा पिचक जाए या रसगुल्ले हमारे पिचक जाए तो ये प्रॉब्लम हम कैसे दूर करें, इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप अपनाने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे। जनरल प्रॉब्लम होती है कि रसगुल्ले बनाने के बाद हमारे पिचक जाते हैं, तो हमने अभी अपना गैस बंद कर दिया है और एक बर्तन में हमने बर्फ ले लिया और उसमें हम अच्छे से हमारी ये रसगुल्ले डूबे जितना हम पानी भर लेंगे, यानी बिल्कुल बर्फ वाला पानी चाहिए। इस पानी में हम टेम्परेचर की मार देंगे हमारी इन रसगुल्लों की गोलियों को। तो हम बिना निचोड़े ही हम गरम गरम इन गोलियों को इस कढ़ाई में से निकाल करके इस बर्फ वाले पानी में डाल देते हैं। देखिए इसी टाइम आप अपनी पहचान भी कर लेंगे कि ये पानी में जाकर के हमारी सारी गोलियां बैठ रही हैं, इसका मतलब ये पक चुकी हैं। रसगुल्ला पकने की यही पहचान है कि गोलियां जो है पानी में जाकर के नीचे बैठ जाएं, अगर ऊपर फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब रसगुल्ला हमारा कच्चा है। तो देखिए पानी में जाकर के सेट हो गई नीचे, यानी ये किसी भी रूप से कच्ची नहीं है। और इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, पूरे 10 मिनट ढक कर के और पूरे 10 मिनट बिना ढके, यानी टाइम का पूरा ध्यान रखेंगे तो आपकी जो है ओवर कुकिंग या अंडर कुकिंग की वजह से राजभोग कभी भी खराब नहीं होगा। तो देखिए मैंने सारी गोलियां डाल दी है और इसमें हम 15 मिनट छोड़ देंगे। तो 15 मिनट में हमारे ये रसगुल्ले जो हैं बर्फ के पानी में ठंडे हो गए, यानी कि हाथ को हम टच कर पा रहे हैं, और हमारी चाशनी भी 15 मिनट में जितनी ठंडी होनी थी वो हो गई है। तो अब हमें चाशनी को गर्म नहीं करना, यानी कि अब हमें इसको ठंडे ठंडे में रखना है, तभी हमारा रसगुल्ला जो है परफेक्ट बनेगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए दबा रही हूं मैं और ये वापस अपना शेप ले रहा है। तो इस तरीके से निचोड़ निचोड़ के चाशनी में डाल रहे हैं हम। तो देखिए चाशनी में हमने डाल दिए हैं और अब हम 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम हम केवड़ा जल डाल देंगे। तो अब इसको हम ढक देते हैं और 1 से 2 घंटा रूम टेम्परेचर पर रहने देंगे और फिर हम इसको फ्रिज में रख करके बिल्कुल ठंडा करेंगे और ठंडा ठंडा ही हम इसको सर्व करेंगे। तो इसको ठंडा होने देते हैं। तो देखिए हमारा राजभोग बनकर के तैयार है, इसे हम पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर स्पंजी और बहुत बढ़िया खुशबूदार और कलर वाला हमारा राजभोग बनकर के तैयार है। आप भी इस राखी पर एक बार इस तरीके से राजभोग बना करके जरूर देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।